अजीत अंजुम का फर्जीवाड़ा, मोदी के लिए इतनी बौखलाहट, देखिए कैसे चलाते हैं एजेंडा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार क्या आ गई, देश दो खेमों में बट गया। एक तरफ वो लोग जो मोदी सरकार के फैसलों पर सहमति जताने लगे और दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें मोदी में एक तानाशाह नजर आने लगा। और ऐसे लोग सरकार के हर एक फैसले में मीन मेक निकालते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। वैसे आम जनता का इस तरह से दो पक्षों में बंटना समझ आता है, लेकिन पत्रकारों का क्या करें? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही अगर आपस में अपनी अपनी विचारधाराओं के लिए लड़ भिड़ पड़ेगा तो काम कैसे चलेगा? सच तो कहीं पीछे छूट जाता है, बस जनता को दिखता है तो वो जो एजेंडा इन पत्रकारों ने सेट कर रखा है। ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्हें मोदी में लाख बुराइयां दिखती हैं, लेकिन हद तब हो जाती है जब अपनी निजी विचारधारा को ये लोग जबरदस्ती देश की जनता पर थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक पत्रकार हैं अजीत अंजुम, जिन्होंने पत्रकारिता तो शायद बहुत पहले करनी छोड़ दी थी, अब तो ये सिर्फ एक तरफा एजेंडा चलाते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही, आप एक्स पर जाकर उनके पोस्ट देख लीजिए और पोस्ट पर फिर वो जिस तरह से रोस्ट होते हैं वो भी देख लीजिएगा। हर दूसरी खबर में मोदी, हर दूसरी वीडियो में मोदी को कोसना। अरे भाई, खबरें बता रहे हो या एजेंडा चला रहे हो, तेजस्वी मछली खाए या मटन खाए, आप उस बात का समर्थन करें या विरोध, मोदी को क्यों ले आए? वो भी तब जब तक उनका कोई बयान नहीं आया था। हाँ, जब बयान आया उसके बाद आप कुछ कहते हुए अच्छे भी लगते। अजीत अंजुम मोदी के खिलाफ किस तरह से एजेंडा चलाते हैं, इसका सबूत आप उनके YouTube पर जाकर देख सकते हैं। खबरों के थंब टाइटल देखिए। एक खबर का थंब है मोदी मटन और मछली, अब यही दिन देखना बाकी था। दूसरी खबर का थंब देखिए, मोदी में हिम्मत है तो तेजस्वी का चैलेंज स्वीकार करें। तीसरा थंब देखिए, मोदी मीडिया और दम तोड़ते सवाल, सबसे पूछ लिया ना, अब मोदी से पूछ कर दिखाओ। चौथे थंब में तो सीधा लिख दिया गया, मोदी तेरी खैर नहीं के नारे गूंजे। फिर लिखा था, मोदी की तानाशाही उन्हें बर्बाद कर देगी। मतलब आप थम से अंदाजा लगाइए कि अंदर खबर में आपको निष्पक्ष कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो हाल है इनके यूट्यूब का। अब जरा एक्स पर आइए। एक्स प्लेटफॉर्म पर पहले लिखते हैं, 10 साल तक देश पर राज कर चुके मोदी को चुनाव के समय मटन और मछली के मुद्दे का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? देश के प्रधानमंत्री के लिए किसी का मटन और मछली खाना क्यों मुद्दा बन गया? मोदी भक्त चैनलों को खुराक मिल गया, लिंक में बाकी। दूसरे पोस्ट में वो लिखते हैं, बात जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है कि देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। 10 साल तक देश पर राज करने वाले मोदी जनता को क्या बताकर अपना कर्तव्य निभा रही हैं? जानिए और सोचिए कि मोदी के लिए किसी का मटन और मछली खाना कितना बड़ा मुद्दा है। मतलब अब आप खुद सोचिए कैसे मोदी के खिलाफ ये आदमी जो खुद को पत्रकार बताता है एजेंडा चला रहा है। आपको हिंदुओं की भावनाएं नहीं दिख रही है, आपको नवरात्रे में पोस्ट किया गया वो वीडियो नहीं दिख रहा है, आपको मटन मछली तो समझ में आ रहा है लेकिन उसे खाते हुए तेजस्वी जिस तरीके से हैं कर रहे हैं वो आपको नजर नहीं आ रहा है। और फिर तभी ऐसे पत्रकार जब सड़कों पर उतरते हैं तो इन्हें दौड़ा दिया जाता है, कभी किसी बहाने से तो कभी किसी बहाने से। खैर, फिलहाल आप अजीत अंजुम की इस दोहरी पत्रकारिता को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।